जबलपुर के इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीज के परिजनों से 50,000 रूपए लेने का मामला सामने आया है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब भोपाल स्थित आयुष्मान योजना कार्यालय में मरीज के परिजनों के पास योजना के संदर्भ में फोन आया। तब मरीज के परिजनों ने बताया कि जबलपुर स्थित इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल प्रबंधक ने कार्ड होने के बावजूद उनसे 50,000 रूपए लिए हैं। मेरा नाम फरजाना बानो है, मैं सलीमनाबाद की निवासी हूँ। मेरे पापा को 27 तारीख को यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, हॉस्पिटल इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल पर एडमिट किया गया, ये बोल के कि आपके पापा को हार्ट का दर्द उठा है, उसके लिए आपको 50,000 रुपये यहाँ पर भरना पड़ेगा और आपका जो इलाज है वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी होगा और आपको एक्स्ट्रा में 50,000 रुपये देना पड़ेगा। तो उसकी जाँच के लिए 50,000 रुपये देना पड़ेगा। उसकी हम लोग के द्वारा रसीद मांगी गई कि आप रसीद दीजिए कि हम 50,000 रुपये आपको दिए हैं, तो बोल दिया गया कि रसीद यहाँ पर नहीं मिलती कि जो क्योंकि आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो पैसा लिया जाता है ना उसमें रसीद नहीं दी जाती। और ये बोल के हम लोगों को वहाँ से मतलब भगा दिया गया कि वहाँ यहाँ पर अब रसीद नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम लोग घर चले गए, जब पापा की छुट्टी हो गई तो हम लोग घर चले गए। वहाँ जाने के बाद हमें भोपाल से आयुष्मान एजेंसी से फ़ोन आया कि आपके पापा का इलाज हुआ, पूछा उन्होंने कि इलाज हुआ उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, तो हम लोग बताए उससे तो हम लोग सेटिस्फाई हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि यहाँ पर आपके पैसे ऐसे तो नहीं लगे क्योंकि ये इलाज तो निःशुल्क होता है। हम लोग ने फिर बताया उन्हें कि हमारे तो 50,000 रुपये लगे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये कार्रवाई अब आगे होगी क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क इलाज होता है। फिर यहाँ पर हम लोग आए 15 तारीख को, यहाँ पर आए जबलपुर में वहीं जाने के लिए इन्फिनिटी हॉस्पिटल कि हम लोगों को पैसा वापस चाहिए। तो यही इन्फिनिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया, उन आयुष्मान एजेंट द्वारा फ़ोन करवाया गया कि आप आ जाइए ऊपर वाले फ्लोर में मिलिए, आपके पैसे वहाँ पर मिल जाएंगे आपको वापस। लेकिन हम लोग जब वहाँ ऊपर गए तो ये कह के भगा दिया गया कि आपके पास बिल नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं और कल आना तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये कह के हमें भगा दिया गया कि कल आओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा आपका वापस। और आज गए तो वहाँ से पैसा देना में साफ इनकार कर रहे हैं और वहाँ का सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग जो थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो इसके पुलिस बुला ली। और आपने भी शिकायत करी है? हाँ, हमने भी शिकायत की है। पापा का क्या नाम था? मेरे पापा का नाम मोहम्मद सुबराती है, हम लोग सलीमनाबाद के निवासी हैं, हम लोग भी इंसाफ चाहते हैं। आपका नाम बता? मेरा नाम फरजाना बानू है। आज कटनी जिले के सलीमनाबाद निवासी मोहम्मद सुबराती के परिजन आज जब रुपए वापस लेने अस्पताल प्रबंधक के पास पहुंचे तो उन्होंने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल में जो प्रबंधक ने सीसीटीवी फुटेज भी उस दिन का मिटा दिया जिस दिन मोहम्मद सुबराती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और प्रबंधक से 50,000 रुपए लिए गए थे। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ आज ओमती थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित परिजनों की माने तो 27 दिसंबर को अस्पताल में मोहम्मद सुबराती को हार्ट की प्रॉब्लम के चलते भर्ती कराया गया था, इस वजह से अस्पताल प्रबंधक ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की थी। फिलहाल ओमती थाना पुलिस ने मरीज के परिजनों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल के खिलाफ जिला प्रशासन यह मामला सामने आने के बाद क्या कार्यवाही करता है। मैटर है, ये कटनी के रहने वाले मोहम्मद गुलफाम, इनके चाचा को शायद कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी तो ये इलाज करवाने के लिए यहाँ ये अपने इन्फिनिटी हॉस्पिटल आए थे। तो वहाँ बोले कि 50,000 रुपये लगेंगे, तो इन्होंने बोला ठीक है। तो कार्ड आर्ड के संबंध में भी पूछताछ किए थे लेकिन इनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने 50,000 रुपये वहाँ जमा किए और अपने चाचा का इलाज करवाया और चले गए। बाद में फिर बता रहे हैं ये कि भोपाल से कहीं से फ़ोन आया था कि आपके मतलब चाचा का स्वास्थ्य कैसा है, तो इन्होंने बताया ठीक है। पैसों के संबंध में पूछताछ किया है, बोले पैसे तो नहीं लगे आपके, तो इन्होंने बताया कि पैसे तो लगे हैं, तो उन्होंने वो इनको जानकारी दिया कि उसमें पैसे नहीं लगते कार्ड में। कौन सा कार्ड था ये? वो आयुष्मान कार्ड है जिसके तहत इनका इलाज होता है। तो अभी इन्होंने शिकायत दी, अब इसकी जांच करते हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।